नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शुक्रवार शाम को बस स्टैंड पर चाकूबाजी की बड़ी घटना सामने आई है। ऑटो चालक कुछ लोगों ने मिलकर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। चाकू लगते ही युवक खून से लहूलुहान हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जोशी मोहल्ला निवासी प्रदुमन अंतर्वेदी पिता महेंद्र अंतर्वेदी उम्र 24 निवासी जोशी मोहल्ला को मुख्य आरोपी आलोक निवासी तांगा खाना ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर चाकू मार दिया, जिससे तत्काल उपचार के लिए शासकीय मध्य भारत अस्पताल लेकर पहुंचे। महू कोतवाली पुलिस ने बताया कि महू बस स्टैंड पर सवारी बैठाने की बात को लेकर विवाद हुआ। इसी बात को लेकर आलोक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रदुमन पर हमला बोल दिया। घटना की जानकारी लगते ही महू कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दरअसल सभी आरोपी फरार हो गए हैं। इधर डॉक्टरों ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद घायल को इंदौर रेफर कर दिया है, लेकिन परिजन उसे महू के निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि अधिक रक्त स्त्राव होने के कारण आलोक को रेफर किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि बस स्टैंड पर सवारी को बिठाने में दो ऑटो रिक्शा वालों में झगड़ा हुआ है, जिसमें प्रत्युम अंतर्वेदी पिता महेंद्र अंतर्वेदी को दूसरे ऑटो रिक्शा वाले आलोक और उसके साथियों का नाम आ रहा है, जिन्होंने उसको पांव में एक चाकू चोट पहुंचाई है और वो सीधे चोट लगने के बाद मध्य भारत अस्पताल इलाज हेतु गया है। थाने की टीम मौके पर और अस्पताल पहुँची है और प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है, मुलजिम की तलाश की जा रही है। दोनों ऑटो रिक्शा वालों को किसी सवारी को बिठाने की बात पे इनका विवाद हुआ कि पहले मैं बिठाऊंगा, इस बात पे इनके विवाद में झगड़ा हुआ। आरोपी आलोक का नाम एक क्लियर हुआ है और उसके साथ ही उनकी तलाश की जा रही है।